हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स आई एम नरेश गहलोत एंड आई वेलकम्स यू टू आर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल अरुबदा क्लासेस ऑफ आदर्श विद्या मंदिर गांधीनगर आबू रोड स्टूडेंट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट वी विल रीड टुडे लेसन फर्स्ट ऑफ़ क्लास थर्ड एंड द लेसन नेम इज़ वर्क विल यू वर्क कक्षा तीन के अंग्रेजी विषय के लेसन फर्स्ट का हम आज अध्ययन करेंगे लेसन फर्स्ट का नाम है वर्क विल यू वर्क द इंग्लिश बुक ऑफ क्लास थर्ड हैज़ फिफ्टीन लेसन अंग्रेजी बुक में पंद्रह लेसन है एंड द फर्स्ट लेसन इज वर्क यू वर्क पहले लेसन का नाम है वर्क विल यू वर्क इसका मतलब है जब आप काम करो तो काम ही करो तो स्टूडेंट्स आपका पूरा ध्यान बुक पर होना चाहिए जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ 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 आप, आपका ध्यान होना चाहिए और लेसन रीडिंग के साथ साथ मैं आपको इसकी हिंदी और कठिन शब्दों का भी अर्थ बताऊंगा। तो साथ, साथ आप भी ध्यान रखें कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और जैसे ही कोई कठिन शब्द आता है तो उसको ध्यान से इसका अर्थ समझना है और साथ साथ में आपको भी पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर वन वर्क विल यू वर्क लेट्स स्टार्ट लेसन फर्स्ट वर्क विल यू वर्क डिस्कस व्हेन डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल कब जाते हैं डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड क्या आप अध्ययन के दौरान खेलते हो लेट्स सिंग दिस राइम आइए हम इस गीत को गाएं वर्क विल यू वर्क आप भी साथ साथ में बोलिए वर्क विल यू वर्क प्ले विल यू प्ले डेथ इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे इसका अर्थ है कार्य के समय आप काम करें खेलने के समय आप खेलें यही तरीका या ढंग है प्रसन्न और खुश मिजाज होने का यह इसका अर्थ है टू बी हैप्पी एंड गे प्रसन्न चित और खुशमिशाज 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 होने का यही एक तरीका है आगे देखते हैं ऑल दैट यू डू बोलिए बोलिए साथ में बोलिए ऑल दैट यू डू डू विद ऑल योर माइट थिंग्स डन बाय हाउस आर नेवर डन राइट मतलब ऑल दैट यू डू मतलब आ, सब कुछ जो आप करते हो डू विद ऑल योर माइट अपनी पूरी शक्ति के साथ करना है अपनी पूरी पूरे मन से करना है पूरी शक्ति के साथ करना है थिंग डन थिंग्स डन यू थिंग्स डन बाय हाउस अधूरे मन से की गई चीज़ें थिंग्स डन बाय हाल्स यानी हॉल्स यानी आधे अध मन से थिंग्स यानी चीज़ें वस्तुएं डन यानी की गई आधे अध मन से की गई आर नेवर डन राइट कभी भी सही नहीं होती है आधे अध मन से अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो वो सही नहीं होगा उसमें कुछ कमियाँ रह जाएगी कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ हो जाएगी आगे देखते हैं वन थिंग ईच टाइम and that done well is a very good rule as many can tell matlab one thing each time matlab ek samay ek hi karya one thing each time, मतलब एक समय में एक ही कार्य And that डन वेल well, और उसे ठीक ढंग से करे ठीक ढंग से किया जाए इज़ अ वेरी गुड रूल यही बहुत अच्छा नियम है यही अच्छा नियम है एज़ मैनी कैंटेल जैसा कि सब लोग बता सकते हैं जैसा अनेक लोग बता सकते हैं मोमेंट्स आर यूजलेस बोलिए बोलिए मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल अवे सो वर्क विल यू वर्क एंड प्ले विल यू प्ले सो वर्क विल यू वर्क एंड प्ले यू प्ले अर्थात मोमेंट्स आर यूज़लेस मतलब बहुत कम समय भी बर्बाद करना ट्रिफल अवे बेकार है अर्थात कुछ भी समय ख़राब करना बेकार है छोटे से छोटे समय भी बर्बाद करना बेकार है सो वर्क यू वर्क इसलिए कार्य के समय आप कार्य ही करें एक क्षण भी बेकार नहीं करना चाहिए इसलिए काम के समय हमें सिर्फ काम ही करना चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं उस समय वही काम करना चाहिए एंड प्ले वैल्यू प्ले और खेलने के समय आप खेलें मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो काम ही करें उसमें खेले नहीं या कुछ भी इधर उधर दुदु ध्यान नहीं भटकाएं और जब खेलने का समय होता है तो आप सिर्फ खेलें सिर्फ खेल लें उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है तो स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा और समझा आगे हम देखते हैं कि इसमें ग्लॉसरी है इसमें कुछ हार्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं गे देखो गे लिखा हुआ है उसमें अपने वर्ड्स जो अंदर आए ना जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको हम एक बार फिर याद करेंगे गे गे का अर्थ है खुश मिजाज गे का अर्थ है खुश मिजा, मिजाज मिजाज यानी कि खुश रहने वाला खुश मिजाज यानी जो हमेशा खुश रहता हो माइट माइट का मतलब है पराक्रम शक्ति अपनी शक्ति अपने अंदर की शक्ति हाल्स हाल्स यानी आधे टुकड़े अधूरे मन या शक्ति से यानी कि आधे उधर मन से जो हम काम करते हैं ना, उसको कहते हैं हाल्स ठीक है आधा उधर मन पूरा मन नहीं मतलब आधा उधर मन काम हम कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है रूल रूल यानी नियम मोमेंट्स यानी अत्यल्प समय मोमेंट्स यानी क्षण बहुत कम समय छोटा समय ट्रिफल अवे यानी बर्बाद करना कोई भी समय हम बर्बाद करते हैं ना उसको क्या कहते हैं रिफल अवे आगे हम देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट में देखिए टिक द वर्क यू डू विल रीडिंग इन द क्लास पुट क्रॉस टू अनदर इसमें हम देखते हैं कि कक्षा में जो अपन पढ़ते समय जो कार्य करते हैं उसके आगे टिक का निशान लगाना है यानि कि राइट का निशान लगाना है और जो नहीं करते हैं उसको क्रॉस का निशान लगाना है ठीक है तो देखते हैं फर्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट में टॉक टू योर फ्रेंड अपन स्टडी करते समय कक्षा में टॉक टू योर फ्रेंड अपने मित्र से बात करते हैं क्या नहीं करते हैं ना हाँ शाबाश तो यहाँ पर लगाएंगे हम क्रॉस क्या लगाएंगे क्रॉस आप भी अपनी बुक में क्रॉस लगाइए हम्म शाबाश पेन पेंसिल पास रखिए इरेजर वग़ैरह सब और अपने बुक में इसे क्रॉस लगाइए क्योंकि हम पढ़ते समय अपने मित्र से बात नहीं करते हैं दूसरा देखते हैं प्ले विद योर फ्रेंड्स प्ले विद योर फ्रेंड्स तो स्टडी करते समय हम फ्रेंड के साथ खेलते हैं क्या कुछ भी पेन पेंसिल्स या किसी भी चीज़ से खेलते हैं खेलना चाहिए नहीं करते ना हम लोग हाँ तो इसमें भी क्रॉस लगाइए है।, है ना? शाबाश. वेरी गुड देखिए थर्ड में देखिए लिसन टू योर टीचर हम स्टडी करते समय क्लास में हम किसको सुनते हैं टीचर को सुनते हैं ना हम ध्यान से टीचर को सुनते हैं तो ये कार्य हम करते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम टिक लगाएंगे क्या करेंगे राइट का निशान लगाएंगे टिक लगाएंगे नेक्स्ट देखो क्वारल विद योर फ्रेंड क्वारल यानी झगड़ा करना विद योर फ्रेंड अपने मित्र के साथ झगड़ा करते हैं पढ़ते समय झगड़ा करते हैं अपने मित्र के साथ नहीं करते है ना हाँ तो शहबाज इसमें भी क्रॉस लगाइए फिर इसमें भी क्रॉस लगाइए देखिए लास्ट देखिए फिफ्थ रीड योर सब्जेक्ट बुक तो स्टडी करते समय हम क्लास में क्या करते हैं सब्जेक्ट बुक को पढ़ते हैं पढ़ते हैं ना? तो यहाँ पर लगाइए राइट right का निशान कर लिया आपने एक्टिविटी फर्स्ट का ए कर लिया ना? अब देखते हैं हम आगे चलते देखिए निशान लगा लीजिए अपने बुक में चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं एक्टिविटी फर्स्ट का बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वैन डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स आपको अपने मित्र के साथ कब खेलना चाहिए कब खेलते हो आप अपने मित्र के साथ कब खेलते हो तो इसका आंसर होगा वी विल इसका आंसर देखिए फर्स्ट का आंसर देखिए वी प्ले विद आर फ्रेंड्स व्हेन देर इज़ ए टाइम ऑफ़ प्लेइंग वापस देखिए वी प्ले विद आर फ्रेंड्स वैन देर इज ए टाइम ऑफ प्लेइंग मतलब हम हमारे मित्र के साथ में उसी समय खेलते हैं जब खेलने का समय होता है बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम अगर आप अपना गृह कार्य समय सही समय पर पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है क्या होता है बताइए अगर हम अपना गृह कार्य सही समय पर पूरा नहीं करते हैं तो हमारे टीचर्स हमसे नाराज़ हो जाते हैं होते हैं ना तो अंग्रेजी में इसको कैसे लिखेंगे इफ़ वी डोंट कंप्लीट इफ़ वी डोंट कंप्लीट आर होमवर्क इन टाइम आर टीचर्स विल बी एंग्री विद अस इफ़ वी डोंट कंप्लीट होमवर्क इन टाइम आर टीचर्स विल बी एंग्री विद अस यदि हम समय पर हम हमारा गृह कार्य नहीं करेंगे तो हमारे अध्यापक हमारे टीचर्स हमसे नाराज़ हो जाते हैं आगे देखते हैं एक्टिविटी सेकंड सेकंड का ए फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर फ्रॉम द पोएम इसका फर्स्ट देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड में देखो मिसिंग लेटर है देखिए ये क्या लिखा हुआ हैप्पी लिखा हुआ है क्या लिखा हैप्पी तो हैप्पी की स्पेलिंग क्या है एच ए डबल पी वाई एच ए डबल पी वाय इसमें क्या मिसिंग है ए मिसिंग है इसमें क्या मिसिंग है फर्स्ट ए में ए मिसिंग है दूसरे में देखते हैं माइट कौन सा वर्ड है माइट तो माइट की स्पेलिंग क्या है एम आई जी एच टी तो इसमें क्या मिसिंग है आई मिसिंग है क्या मिसिंग है आई मिसिंग है तो इसमें क्या लिखना है एम आई जी एच टी बहुत अच्छे गुड वेरी गुड सी में देखिए हाउस लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है हाल लिखा हुआ है अब इसकी स्पेलिंग क्या है एच ए एल वी ई एस तो एच ए एल और फिर वी ई एस तो इसमें एच के बाद में ए आएगा और वी के बाद में ई e आएगा ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छी अपने अपने-अपने बुक में लिखते रहिए साथ साथ में लिखते रहिए बी में देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है मोमेंट क्या लिखा हुआ है मोमेंट मोमेंट की स्पेलिंग देखिए एम ओ एम ई एन टी एस तो एम ओ फर्स्ट में क्या आएगा एम ओ ओ के बाद में एम ई एन टी एस तो पूरा वर्ड क्या होगा एम ओ एम ई एन टी एस मोमेंट्स ठीक है वेरी गुड लास्ट देखिए ई ट्रिफल ये वर्ड क्या है ट्रिफल ट्रिफल की स्पेलिंग क्या देखी थी हमने टी आर आई एफ एल ई टी आर आई और एफ एल ई ट्रिफल क्या है इसका ट्रिफल वेरी गुड वेरी नाइस आगे देखिए बी में बी में हम देखेंगे तो रीड द पोएम अगेन एंड द मैच कॉलम विद मैच कॉलम ए विद कॉलम बी तो कॉलम ए को कॉलम बी से जोड़ना है ठीक है ना तो चलिए करते हैं फर्स्ट में देखते हैं ऑल देट यू डू ऑल देट यू डू तो उसका फर्स्ट का क्या होगा फर्स्ट का होगा डू इट विद ऑल योर माइट डू इट विद ऑल योर माइट सेकेंड मोमेंट आर यूजलेस ट्रेफल अवे मोमेंट आर यूजलेस ट्रेफल अवे ठीक है लास्ट में थर्ड देखेंगे वन थिंग ईच टाइम तो उसमें बी में क्या है एंड दैट डन वेल एंड दैट डन वेल ठीक है फोर्थ में देखिए थिंग्स डन बाय हाउस बी का सेकंड आएगा थिंग्स डन बाय हॉल्स आर नेवर डन राइट अपने बुक में भी इसको मैच कर लीजिए बहुत अच्छे वेरी गुड चलो आगे चलते हैं देर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इनडोर गेम्स इन द बॉक्स गिविन बिलो आगे देखिए ये बॉक्स दिया हुआ है तो इसमें से इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स को सेलेक्ट करके अलग अलग लिखना है यहाँ पर लिखना है आउटडोर गेम्स और यहाँ पर लिखना है इंडोर गेम्स तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम टिक मार करेंगे कि इंडोर गेम्स कौन से हैं और आउटडोर गेम्स कौन से हैं तो फर्स्ट में देखते हैं आउटडोर गेम करते ठीक है आउटडोर यानी जो हम ग्राउंड में खेलते हैं आउटडोर आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं पहला है क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी टेनिस सब ग्राउंड में खेले जाते हैं बास्केटबॉल ठीक है ठीक है ना ये पांच गेम हैं जो आउटडोर गेम है क्या है आउटडोर गेम है उसको लिख लीजिए बुक में हाँ लिखिए और बाकी जो है वो बाकी ये वो क्या है ये इंडोर गेम्स है जो कमरे में खेले जाते हैं ठीक है बहुत अच्छे शाबाश उन्हें यहाँ पर लिखना है आगे हम देखते हैं राइट टू रेम्स राइ, राइट टू राइमिंग्स वर्ड फॉर ईच राइमिंग वर्ड ईच के लिए लिखना है ये आपका आज का होमवर्क हो गया है ठीक है आगे देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई है हम जो घर पे काम काम कर रहे हैं देर आर सम पिक्चर्स गिविन ब्लो थिंक एंड टिक द राइट पिक्चर एंड द रोंग वन जो हम पिक्चर्स में काम कर रहे हैं अगर वो सही है तो राइट का निशान लगाना है और जो गलत है या नहीं करना चाहिए उसके नीचे क्या लगाना है रॉन्ग का निशान लगाना है ठीक है साथियों ठीक है बच्चों ठीक है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपने पढ़ा बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं इसके कुछ पिक्स भी क्वेश्चन आंसर के आपको प्रोवाइड करेंगे अभी तक का ये पूरा काम आपको अच्छे से करना है बहुत समझदारी से और अच्छी राइटिंग में करना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच